वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हरे भरे मटर का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा कम तेल में बनाने वाली हूँ और जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे बनाना भी आसान है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मटर का ये हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप बारीक वाली सूजी, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप दही, स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर दही को हम सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसमें डाल दूंगी आधा कप पानी, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिक्स करना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी जो बैटर का टेक्स्चर है वो थोड़ा थोड़ा ही फ्लोइंग है, पर अब हम जब इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि सूजी जो है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो इस बैटर को हम ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। बैटर को रेस्ट देने से हमारा जो पैनकेक है वो बहुत फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। तो जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम मटर का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, उसे हम गर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। यहाँ पर जो है जीरा वो चटक गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च जिसे मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है, चार पांच लहसुन की कलियाँ, एक इंच अदरक, और साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने जानबूझकर लहसुन और अदरक मिर्ची को मोटा मोटा ही काटा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम फिर ग्राइंड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो इसका जो है थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक कप फ्रेश मटर। आप चाहे तो यहाँ फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो अभी इन सारी चीज़ों को हम मटर के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, क्योंकि मटर अभी कच्चा है तो इसे थोड़ी देर हमें भून लेना है। तो एक मिनट इसे अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक के साथ अच्छे से मटर को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे ढक कर एक मिनट तक और पकाएंगे। तो यहाँ पर एक मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे हम एक बार फिर से चला लेते हैं। बिल्कुल इसी टाइम अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इससे बहुत अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है, जो बहुत अच्छा लगेगा इस नाश्ते में। तो इसी टाइम अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेशनेस के लिए धनिया पत्ती। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर ले रहे हैं तो आप इसे बिना ढके भी पका सकते हैं, क्योंकि फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी पक जाता है। तो सबसे एंड में हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल देंगे दो चम्मच बेसन। इससे जो होगा जब आप इसकी टिक्की बनाएंगे तो वो अच्छे से बन जाएगी। तो बेसन डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और अब हम इसे ग्राइंड कर सकें। तो अभी जो है ये मटर ठंडा हो गया है, तो हम इसे एक मिक्सिंग के जार में डाल देंगे। तो इसे हम बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है और इसकी जो आप टिक्की बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसे डाल देंगे अब हम एक बॉल में। तो अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर जो है वो, तो ये देखिए सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है, और पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आप बेकिंग सोडा या इनो डाल रहे हैं तो उसे आप एक पिंच ही डालें। तो अब हम इसे पानी डालकर बिल्कुल अच्छा सा बैटर बना लेंगे इसका। तो हमें बिल्कुल फ्लोइंग बैटर बनाना है, जैसा आप डोसा या उत्तपम के लिए बनाते हैं।
तो बिल्कुल इसी तरह का बैटर आपको भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक तवा लिया और उसे अच्छे से गर्म कर लिया है और बस एक चम्मच भर के इसमें हम बैटर डाल देंगे। तो इसे हम हल्का सा फैला देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से आपको फैलाना है। और हमने जो मटर का मिक्सचर रेडी किया है उसे हम एक टिक्की का शेप देंगे और बस इसके बीच में हम इसे डाल देंगे। इसे हम हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर से हम फिर से इस बैटर को डाल के इस टिक्की को अच्छे से कवर कर देंगे। तो अब हम इसके साइड से थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे ढककर एक मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो इसे दो मिनट तक पका लेने के बाद अब हम इसे आराम से पलट देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी इसे पकाना है। तो दो मिनट तक दूसरी साइड से भी पका लेने के बाद अब हम इसे फिर से पलट के दिखा देते हैं आप। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पैनकेक भी हम बना लेंगे। थोड़ा सा बैटर डालेंगे, उसे हल्के हाथों से फैला देंगे, बीच में डाल देंगे एक टिक्की और इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर वापस से बैटर डाल देंगे इसे कवर करने के लिए। तो इसे कवर कर हम दो मिनट तक पका लेंगे। तो दो मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल इतने बढ़िया सा कलर आया है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे मैं आपको एक बार काट कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और ये खाने में भी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हमारा मटर का बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बनके रेडी हो गया है। अभी मटर का सीज़न चल रहा है तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। और आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।